हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस सूजी चॉकलेट केक। तो ये केक मैंने बनाकर रेडी किया है और देखिए बहुत ही इजी जो है सूजी से बनने वाला केक है, विदाउट ओवन, विदाउट माइक्रोवेव, नो एग। तो आप लोग बनाकर इसको ट्राई कर सकते हैं घर में। जो अंडा नहीं खाते हैं वो भी इजीली इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको काट करके दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया स्मूथली ये कट रहा है केक और उतना ही खाने में टेस्टी बना है। तो आपके घर में बर्थडे पार्टीज हो, आपके घर में एनिवर्सरी हो, तो आप इसको बना के ट्राई कीजिए, क्योंकि आजकल आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मेरे पास थोड़ी सी सूजी थी तो मैंने एक कटोरी सूजी से केक बनाकर तैयार किया है। आप अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो जो मैं मेज़रमेंट बताऊँगी उसका आप डबल मेज़रमेंट कर लीजिए। तो इस तरह से बन करके सूजी का ये चॉकलेट केक तैयार है। तो ये कैसे बनाना है चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 50 ग्राम शुगर लिया है और साथ ही मैंने 50 ग्राम ऑलिव ऑयल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर आपकी पतली होनी चाहिए, अगर आपके पास बारीक शुगर नहीं है पिसी हुई तो आप उसको मिक्सी में डालकर पीस लीजिए और तब उसे यूज़ कीजिए। उसके साथ ही मैं 3 चम्मच दही का यूज़ कर रही हूँ। खट्टा दही नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही का यूज़ कीजिए। दही जो हमारा बाइंडिंग का काम करता है केक में। तो उसके साथ ही मैंने 90 ग्राम्स जो सूजी का यूज़ किया है, 90 ग्राम सूजी ली है बारीक। मेरे पास बारीक सूजी नहीं थी, मैंने इसे मिक्सी में पीस कर बारीक किया है। तो आप ध्यान रखिए आप भी बारीक सूजी का यूज़ कीजिए। और साथ ही कोको पाउडर 2 चम्मच, हम कोको पाउडर डाल रहे हैं। और उसके साथ 50 ग्राम्स मैं मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, दूध का 50 ग्राम थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 चम्मच हम इसमें, छोटा स्पून है इसमें, हम वेनिला एसेंस डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो लोगों को कुकिंग का शौक होता है घर में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें सबके पास घर में होती हैं, तो आप इजीली आप ये केक बना सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करिए और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए। तब तक हम इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। मैंने एक बाउल बड़ा भिगोना लिया है, उसमें मैं 2.5 कप पानी डालूंगी और उसको स्टीम, ताकि उसमें बने, तो उसको मैं बॉईल करने के लिए रखूंगी। तो इस तरह से ऊपर मैंने छन्नी लगा दी है, आपके पास छोटा स्टैंड हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कवर करके हम रख देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, 15 मिनट के बाद हमारी सूजी फूल गई है। उसमें मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाया है और 1 पिंच मैंने उसमें बेकिंग सोडा मिलाया है। तो दोनों को अच्छी तरह से छान कर हम इसमें डाल देंगे ताकि बिल्कुल भी गांठे ना लगे। और बेकिंग सोडा का यूज़ कम करिएगा। तो अच्छी तरह से ये हम छान लेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सूजी हमारी फूल चुकी है, फूल के और थोड़ा बैटर भी हमारा बहुत देखने में कितना सुंदर लग रहा है, गाढ़ा गाढ़ा बैटर केक का हमारा तैयार हो गया है। तो इसे हम एक भगोनी में, अगर आपके पास बेकिंग का पैन नहीं है तो किसी भी भगोने में आप नॉर्मल बना सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल डालकर हम बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी वाइट पेपर लेकर, कोई भी वाइट पेपर, प्लेन पेपर लेकर उसको हम इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगा के हम उसको ऑयलिंग कर देंगे दोनों तरफ से। तो आप कोई भी भगोनी में बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने नॉर्मल घर में जो सबके पास इस टाइप की भगोनी होती है उसमें डालकर मैं बता रही हूँ। तो उसमें मैंने ये मिक्स कर उस भगोनी में डाल दिया है और इसे हम थोड़ा हिलाकर सेट कर देते हैं और अब हम इसे स्टीम पे रख देते हैं। हमारे उसमें स्टीम अच्छी बनने लगी है तो हम इसे कवर करके रखेंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट से भी कवर कर सकते हैं ताकि जो स्टीम का पानी है वो इसमें ना जाए। तो अब 40 मिनट हमने वेट किया है। अब 40 मिनट बाद हम खोल कर इसको चेक कर लेते हैं। बीच में आप एक दो बार खोल कर चेक करेंगे, जो कि मैं कर चुकी हूँ चाकू से, कि देखिए उसमें लगा नहीं है। तो हमारा केक बन करके तैयार है 40 मिनट।
अब इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने रख देते हैं। ठंडा हो गया है हमारा केक, तो इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हमारा सूजी का केक बनकर तैयार हो चुका है, बिना अंडे का, बिना ओवन के, बिना माइक्रोवेव के। आप भी इस केक को जल्दी से बना के ट्राई कीजिए। तो ये केक बन गया है। अब हम ऊपर इसके थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालकर केक को तैयार करेंगे। तो घर में आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं तो कोई चॉकलेट को आप अच्छे से मेल्ट कर कर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चॉकलेट सिरप डाला है और मैं चारों तरफ इसको गोल घुमाते हुए ऊपर के हिस्से की तरफ लगा दूंगी। बहुत इजी है बनाना। आपके पास सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं और आप इजीली इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये इस तरह से चॉकलेट सिरप मैंने चारों तरफ लगा दिया है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम, काजू, जो भी आप नट्स डालना चाहते हैं आपको पसंद हो तो मैं पीस कर वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो मैंने काजू और बादाम दोनों अच्छे से पीस कर और वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से आप डाल दीजिए इसके ऊपर। और थोड़ा सा आप इसको ऊपर से दबाते हुए सेट करेंगे। ध्यान रखिए केक को ठंडा होने के बाद ही पैन से, जो भी भिगोनी में आप बनाएंगे उससे आप ठंडा होने के बाद ही उसको पलटिए। तो ये ऊपर से हम, आप कोई भी डिज़ाइन आप चाहें तो आप चॉकलेट सिरप से आप कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आप किसी का नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, बर्थडे केक बना रहे हैं तो आप नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन कोई भी आप तैयार करके बना सकते हैं। तो हमारा केक बन करके तैयार हो चुका है और इसे अब हम बना कर रेडी कर कर फ्रिजर में रखेंगे। कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए हमें इसे फ्रिजर में रखना है। फ्रिजर से निकाल के फिर हमें इसे फ्रिज में रखना है। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान करेंगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए मेरा सूजी चॉकलेट केक बनकर के तैयार है। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है और खाने में उतना ही डिलीशियस है। तो इसे बनाकर आप फ्रिजर में रखिए, 2 घंटे के बाद आप इसको फ्रिज में, नॉर्मल टेम्परेचर जो फ्रिज है उसमें आप उसको रख सकते हैं। और उसके बाद जब भी आपको खाना हो आप निकाल के और आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।